22.5 करोड़ की जो कल चोरी हुई थी वो हुआ पुलिस ने आज एक दिन के बाद ही या कुछ घंटों के बाद ही बरामद की कर ली। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कैसे सर, ये क्या उद्देश्य था इसका, जो आरोपी पकड़ा गया है और सभी बरामदगी हो गई क्या? देखो, ये 26 तारीख को जो वारदात हुई है, इस वारदात के अंदर 22.5 करोड़ रुपये जो गाड़ी का ड्राइवर था वो लेके भाग गया। जैसे हमारे पास खबर मिली, उस खबर के बाद पुलिस की टीम्स ने काम करना शुरू किया और 12 घंटे से कम के समय में हम लोग उस अक्यूज को पकड़ पाए और जो कैश था तकरीबन तमाम कैश रिकवर कर पाए। ये आदमी अभी तक की जांच के हिसाब से किसी और के साथ मिलकर काम नहीं किया, उसने अकेले ने ही ये काम अंजाम दिया। और जो हमारी टीमें काम कर रही थी उन्होंने सर्च के दौरान, जो आसपास के इलाके के सर्च के दौरान, क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये अभी आसपास ही घूम रहा है, एक पुराने से गोडाउन के अंदर ये मिला और तमाम बक्से थे वो सब के सब उन्हें मौजूद मिले। सर, जो जो टीम थी जिन्होंने ये रिकवरी की, उन टीम को पदोन्नति के लिए लिखेंगे? नहीं, पदोन्नति की बात नहीं है इसके अंदर। पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने काफ़ी अच्छे काम किए, किसी ने जिसको जो काम दिया अच्छा काम किया, और जिसका काम जिसके बेसिस के ऊपर ये लीड मिली उस टीम को जो भी मुनासिब हमारे रिवॉर्ड करने के सिस्टम्स हैं उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। कुछ पैसा उन्होंने खर्च भी किया आरोपी ने? बताते हैं 10,000 के आसपास रुपये वो खर्च कर चुका था। सर, उसका मकसद क्या था ये इतने सारी 22.5 करोड़ रुपये? अब वो तो बाकी इसकी जांच पूछताछ चल रही है कि क्या करना चाहता था इतने रुपए का वो, लेकिन हाँ ये है कि इसने ये इस तरह का मिस एडवेंचर इसके दिमाग में क्या प्रॉफात आई उसने अचानक कर डाला। ऐसा खबरें आ रही हैं कि कुछ उसको सैलरी कम मिल रही थी, 14,000 के बजाय 11,000 3,000 के लिए उसने 22.5 करोड़ रुपये का ऐसा किया? उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सैलरी का अमाउंट में और ये जो जितना वो लेके भागा है उसके अमाउंट में बहुत गैप है। सर, ये 26/11 पूरी दुनिया याद रखती है, तो ये बड़ी घटना है देश की, तो ये 26/11 ये आपकी कामयाबी के लिए, दिल्ली पुलिस की कामयाबी के लिए याद रखा जाएगा? दिल्ली पुलिस हमेशा से अच्छे काम करती है और जो भी उनके सामने चैलेंज आते हैं उन चैलेंजेस को वो एक चैलेंज के तौर पर देखती है और हर घटना इस तरह की जो भी आती है उस पर पूरा जी जान से मेहनत करती है, निकालती है। प्राइवेट तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट था जो कि शायद आज तक हिंदुस्तान में कभी किसी ने गायब नहीं किया होगा, तो उस लिहाज से संतुष्टि इस बात की है कि तमाम पैसा इतना जल्दी रिकवर हो गया। जो गाड़ी थी वो छोड़ के भाग गया था और जो आदमी था जिसने करके भागा वो मिल गया, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट है पुलिस फोर्स के लिए। कैश डालने वाली जो एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां जो हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं खामियां नज़र आई जी इसमें? देखो, ये अभी क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था वो जो लेके भागा उसको पकड़ना और कैश प्रॉपर्टी को रिकवर करना, अब उसके बाद जो खामियां किसकी थी क्या नहीं थी उसके बारे में अब ये जांच चलेगी। जो बैंक अथॉरिटीज़ हैं वो भी अपनी जाँच करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी है वो अपनी जाँच करेगी, पुलिस के दायरे में जो जाँच आएगी उसको हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।